मतलब आज मिले इनसे और यार क्या ही बताएं, फिल्म नहीं हो रहा है, फिल्म नहीं हो रहा है तो तो ये है जिबा केसरी भैया। मैंने काफी गर्मा गर्मी माहौल है, ये देखो स्वागत आप सबका एक नए ब्लॉग में। और मैं आपको बता दूं ये इंस्टेंट ब्लॉग है, मतलब आप इसको तुरंत देख रहे हैं, तुरंत देख पा रहे हैं। इस वक्त आप खोटी के ब्लॉग देख रहे थे। मैं कल शाम को यहाँ पे पहुँच गया था। आज 175वां दिन है। ये तेली धर्मशाला लोहरदगा जहाँ पे कल मेरा रुकना हुआ था और अभी मैं नगर भ्रमण की ओर निकल रहा हूँ। उससे पूर्व इंस्टेंट ब्लॉग का मतलब ब्लॉग शूट हुई है और विद इन 24 आवर्स इसको मैं रिलीज़ करने की कोशिश की है। तो इसके पहले आप अभी देख रहे थे खूटी के ब्लॉग्स। मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉग्स थोड़ी सी लेट मेरी आ रही होंगी क्योंकि ब्लॉग एडिट करने में बहुत परेशानी होती है और बहुत टाइम भी लगता है। तो आज 175वां दिन, इस वक्त मैं लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के बस बॉर्डर के पास और आज पूरा नगर भ्रमण होगा जहाँ पे मैं रुका हूँ और जिनके सौजन्य से रुका हूँ। इस वीडियो के माध्यम से उन सबों का थैंक यू सो मच। आज 15 अगस्त और झंडा तोलन के कार्यक्रम में मैं कुछ इस प्रकार इन लोगों के साथ शिरकत किया, दिल से धन्यवाद उन सबका। और अभी मैं नगर भ्रमण के दौरान आपको लोहरदगा की कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बताऊं, लोगों का क्या रिएक्शन है मेरे इस पदयात्रा में मैं वो दिखाऊं, और कुछ विभिन्न इलाकों में भी मैं विजिट करूं, क्या कुछ देख पाऊं, वो सारे कुछ इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आप बने रहें और मेरे इस झारखंड पदयात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप बाकी विभिन्न हिस्सों से देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए पहले हम निकलते हुए पहले इस रास्ते में जाएं और इस रास्ते से फिर इस रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे नगर भ्रमण के दौरान। जी तो हम अब यहाँ से लोहरदगा के इस पब्लिक रिएक्शन वाले ब्लॉग को शूट करते हैं। यह है मनोकामना मंदिर और जगह का नाम ना लिटरली मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलिए तो मैं आपको बताऊँ कि लोहरदगा का नाम लोहरदगा क्यों पड़ा, चूँकि ये बॉक्साइट का एरिया है और अंग्रेजों के मद्देनज़र रखते हुए इसको लोहा गलाने का जगह माना जाता है। लोहरदगा में लोहार जो लोहा को गलाते हैं वगैरह वगैरह वो जाति का नाम आता है और दग्गा मतलब उसको गलाना, ठीक है, जिससे लोहरदगा शब्द का उत्पत्ति हुआ, इसलिए इस जगह को लोहरदगा के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की बात है, यहाँ पे विक्टोरिया नामक एक तालाब को भी खुदवाया गया तो वो अभी भी है और विक्टोरिया का नाम रहे हमेशा, इसी वजह से इस काम को करवाया गया यहाँ के कैदियों के द्वारा, तो वो भी शहर के बीच में है। तो कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको इस ब्लॉग में बता सकता हूँ। इसके साथ साथ लोगों का क्या रिएक्शन है मेरी इस यात्रा में वो भी आप देखो। चलो वंदे मातरम। तो एक भैया मिले मुझे, वो बोल रहे गाड़ी में बैठ जाओ, नगर भ्रमण है, पद यात्रा में है, ये बोकारो से निकल रहे हैं। ठीक है ठीक है, अभी नहीं चाय कॉफी में कुछ नहीं देगा। नहीं 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 प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बच्चे बुला रहे हैं, बाय बाय। लोग बड़े प्यारे होते हैं यार। आज जो खास दिन है ना, उस खास दिन में सिर्फ मैं ही तिरंगा लेकर के नहीं घूम रहा हूँ, आज देश के 125 करोड़ आबादी जो है ना वो तिरंगा लेकर के घूम रही है। क्या है ना, बचपन में मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं तिरंगा खरीदूं, तो पेज में कलर से ऐसे रंग करके एक तिरंगा बनाता था और यहाँ पे अपने छाती में लगाता था। आप लोगों में से भी कोई करते थे क्या ऐसा, कमेंट करें। तो जो नहीं था ना मेरे पास, अब चुपता कर रहा हूँ मैं। तकरीबन 175 दिनों से अपने बैग में तिरंगा टांगे निकल गया हूँ। तिरंगा लहराते हुए देख करके जो मन में खुशी आती है ना, नेक्स्ट लेवल। तो इस वक्त मैं स्टेडियम की ओर जा रहा हूँ
लोहरदगा जिला के स्टेडियम की ओर। उसके बाद फिर मैं यहाँ से गोपालगंज चौकी और जाऊँगा, फिर रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद फिर एक विक्टोरिया तालाब है उधर, रास्ते जाते हैं और जाऊंगा। और एनसीसी वालों ने तो गदर में जा करके रखा है लास्ट लास्ट में, तो फिर बैठा रहता है। आज हमारा मंदिर भी तिरंगा में ही हो गई। ओ थैंक यू थैंक यू। आप लोग कहाँ तक घूमना है? पूरा झारखंड घूमेंगे। कहाँ तक मैं अभी एक मेडिकल में हूँ, भैया ने मुझे इलेक्ट्रॉल पिलाया है, थैंक यू सो मच भैया। और योर इलेक्ट्रॉल जोहार जोहार। अब चलिए यहां से जाते हैं। वैसे तो सारे प्रोग्राम्स खत्म हो गए और जब मैं आ रहा था तो सारी भीड़ जा रही थी, इसका मतलब कि प्रोग्राम खत्म हो गया था, बट आज के दिन स्टेडियम विजिट करने का मजा ही कुछ और है। दैट्स व्हाई आई एम हियर इन स्टेडियम। तो ये देखिए रेड कार्पेट बिछी हुई और सारे प्रोग्राम लगभग खत्म। तो इस नगर भ्रमण में ये देखो लोहरदगा की ये खूबसूरत से स्टेडियम, काफ़ी खूबसूरत है। और इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया जोहार लोहरदगा से ना जी। इनका इंस्टाग्राम में एक्चुअली पेज चलता है जिनका नाम है जोहार लोहरदगा। तो स्टेडियम में आया था और अभी थोड़ी बस इंटरव्यू वगैरह होने वाली है, जैसे कि होती है मेरी। भैया लोग आए हैं जी टी वी से और न्यूज़ 18 झारखंड से। जानने और समझने के लिए बोकारो से 8 माह पूर्व आर्या गुप्ता निकले हैं जो हमारे साथ हैं, और अभी हम उनसे सीधे बात करते हैं कि झारखंड के किन किन जिलों में अब तक इन्होंने गुजारा है अपना समय और क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ उद्देश्य है आर्या जी आपका। ओ मेरे लिए थैंक यू सो मच। ए हाय कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? अच्छा थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। था हाँ कुछ तो अच्छा फ़ायदा हुआ पदयात्रा का। थैंक यू।
ये अभी ऐसे तो लगा नहीं पाऊंगा, बट इसको हमेशा के लिए रखूंगा। सामने मेरे अजय उद्यान है और आज भीड़ भयानक लेवल की लगी पड़ी है। मैं दिखाना चाहता हूँ भीड़, ये देखो भीड़, ना जाने कितनी टिकटें बिक गई होंगी अब तक। अरे बंद हो गया यार पार्क तो शहर का मात्र एक ये पार्क है जहाँ पे लोग शाम को घूमने के लिए आते हैं। और ये देखिए लोहरदगा का पुराना हॉल, अलका हॉल कहते हैं इसको। बिल्कुल मेरे आगे पावरगंज चौक है, ये है पावरगंज चौक। ये वाले रास्ते आई थिंक रेलवे स्टेशन जाती है, वाले रास्ते वापस से चले जाएंगे जिधर से मैं आया हूँ इधर। चलिए रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं। आज़ादी के मैं असली हीरो इनको मानता हूँ। मेरा मानना है कि जो अपना बलिदान दे दे वो सब कुछ दे दे, अपना जीवन ही निछावर कर दिया। और गरम दल के लोगों में मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, बाबा बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, इन सभी गरम दल के नेताओं ने ही अंग्रेजों के, समझ रहे हो, अंगुली करके रखे हुए थे इन्होंने। एक और लैंडमार्क लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में यह है, हिंडालको का इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी, जो है वीर बुद्ध भगत जी की, जिनके गांव में विजिट करने वाला हूं बहुत ही जल्द। डोंट गेट इट रॉन्ग, मत रो, वैसे हो गया मेरा ये मतलब, इट्स फाइन रो मत। सच में ये चीज मतलब लाइफ में, मतलब आप रिकॉर्ड में डाले हैं। हां 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 सर, मतलब बहुत बहुत टाइम से हम सर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, और हम बोलते हैं झारखंड से बहुत प्यारा सर। आप अगर हम देख रहे हैं, मेरे जैसे यूथ देख रहा है आपको, तो बिल्कुल और भी लोग देखेंगे। और आप आज तो 15 अगस्त आप उसके लिए एक्साइटेड में भूल जा रहे हैं, उसके लिए सॉरी रहेगा, बट बहुत खुशी हो रहा है सर से मिलकर कि मतलब आज मिले इनसे। और यार क्या ही बताएं, बिलीव नहीं हो रहा है मतलब बहुत दिनों से आप जब निकले थे ना, जब आप स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, और आज भी अभी हम कंटिन्यू देख ही रहे हैं आपको, मगर पता नहीं था कि आप इधर आए हैं। और हम दो तीन दिन में इंस्टाग्राम में अपडेट नहीं थे, इसी वजह से आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इतना प्यार करते हैं। आप कुड़ू का बार है सर, कुड़ू आइए, हम 5-6 दिन में कुड़ू आता हूँ। बिल्कुल सर आइए, जल्दी आऊंगा मैं, आप अपडेट दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप आइए सर्विस साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू, याद रखना, थैंक यू, बाय सर, बाय। ओवर एक्साइटेड यू नो, ठीक है सर, थैंक यू सर, अब कुड़ू आइएगा ना, बिल्कुल इंस्टाग्राम में अपडेट दीजिएगा ना सर, थैंक यू सर, अच्छे से जाना। कुछ दीवाने ऐसे भी होते हैं, ये जो होते हैं वो मुझे दोगुना एनर्जी दे देते हैं मुझे काम करने के लिए। ठीक है, बाय बाय बाय। बताओ मुझसे मिल करके रोने लगे यार, कैसे छोड़ दूँ अपना ये काम, बताओ। तो आज 15 अगस्त में इतना कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि मैं क्या ही बोलूं, वीडियो थोड़ी जरूर पड़ी होगी, बट ये लाइफ टाइम अचीवमेंट समझिए। 15 अगस्त के दिन में लोहरदगा में और फाइनल का मुकाबला हो रहा है, फुटबॉल का मैच, गजब की भीड़ हो रखी है यहाँ पे, तो चारों ओर सरना झंडा और मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे। काफी गर्मा गर्मी माहौल है, ये देखो फुटबॉल का मैच। मैं आपको चलो लोहरदगा के स्टेशन दिखाऊं। हाल ही फिलहाल में राजधानी एक्सप्रेस भी रुकनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे लोहरदगा स्टेशन। मैं बताऊं आपको, रांची जब नहीं बनी थी तब कमिश्नरी यहीं से चलती थी अंग्रेजों की, और लोहरदगा स्टेशन के तार है वो बिछा दिए गए थे, पटरियाँ बिछा दी गई थी। तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको ये आइकॉनिक चीज़ को जरूर दिखाऊं। तो भरी दोपहर में मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन, लोहरदगा का रेलवे स्टेशन। अभी ये रेलवे स्टेशन और डेवलप हो रही है धीरे धीरे, और रेलवे स्टेशन में एक भैया मुझे मिले थे ऑटो वाले, उनका नाम मैंने जुबा के सिरे रख दिया, क्योंकि मैं कुछ पूछ रहा था तो उन्होंने बताया नहीं,
उनके मुंह में गुटका था उस टाइम। तो ये है जुबा केसरी भैया, मैंने इनको बोला था आप देख करके मुझे पहचान जाइएगा, पहचान गए ये। रोक भी दिए, मैं बोला पहचान गए, बोलते हाँ पहचान गए। रेलवे स्टेशन के बाद ये बस स्टैंड है लोहरदगा का, यहाँ से हर जगह की बस लगभग मिल जाती है आपको, छत्तीसगढ़ तक की भी, या फिर कहो गुमला सिमडेगा रांची। तो फिर से वापस पावरगंज चौक, और यहाँ पे आज का लंच हुआ नौलेकी होटल के द्वारा, उन्होंने ट्रीट किया मुझे। तो अब मैं विक्टोरिया जो तालाब है उसकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ। एक और मंदिर मिलते हैं आगे में, यह है विक्टोरिया तालाब, और नौकायान भी हो रहा है इधर, इसी को बनाया गया था 1800 ईस्वी में, और 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में, ताकि विक्टोरिया को ना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जीवित रखा जा सके, उन्हीं के नाम पर बनाया गया था ताकि उनको अमर किया जा सके। तो जो भी कैदी रहते थे यहाँ के जेल में, लोहरदगा जेल में, उन कैदियों के द्वारा ही इस तालाब को खुदवाया गया था। तो ये है वो तालाब, और आकर्षण का केंद्र बना पड़ा है लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के, लोहरदगा शहर के। शाम सवेरे लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आकर्षण का केंद्र है, नौकायान हो रखा है, सुविधाएं, तो लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी मात्रा में आते हैं घूमने के। इतना पुराना लोहरदगा का ये जिला है, उतना पुराना ये तालाब है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूँ, और चूँकि लोहरदगा में ये मेरा पहला दिन, इस जर्नी को, मतलब इस वाले ब्लॉग को आप इंस्टेंट देख रहे हो, बट इसके जो भी ब्लॉग हैं इसके बाद खूटी के कंटिन्यू रूप से चलेंगे, और उसके बाद सिमडेगा चलेगा, गुमला चलेगा, देन फिर लोहरदगा के ब्लॉग्स आएंगे, और लोहरदगा के भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। तो आप जो भी लोहरदगा से देख रहे हैं वीडियो को, या फिर कोई दूसरी जगह से भी देख रहे हैं, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कि आपके भाई ने ठाना है कि पूरे झारखंड को एक्सप्लोर करके देश दुनिया को दिखाऊं मैं। तो आप भी चाहते हैं कि मेरी इस यात्रा को आप देखें साक्षात रूप से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही इन भाइयों ने बोला कि हम लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमें वीडियो मिल लीजिए। तो आप भी आ सकते हो मेरे वीडियो से, आप मुझे ट्रैक करने के लिए इंस्टाग्राम पे अपडेट रहें, फ्लाइंग आदि इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम है। चलिए मिलते हैं आप, ज्वार झारखंड, ज्वार भारत।